Good afternoon, everyone. हाँ मैं फाइनल ईयर आप मूवी में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था गन बी वही रह गया शायद हाँ भाई चलो बात कर लेते हैं कल इंडिविजुअल सीरीज हो चुकी थी है ना आज हम बात करेंगे अभी नेक्स्ट वीक के बारे में डिस्क्रीट सीरीज ठीक है तो चलिए एक डेटा लिखिए आप लोग देखिए x वैल्यू हो गया सभी स्टूडेंट्स अपना अपना
अब क्लास देखिए, आपने यहाँ तक तो सब जानते हैं कि जब हम लोग बात करें शॉर्टकट मेथड में, आपके सामने डेटा होगा चाहे डिस्क्रीट हो, इंटीजर हो, चाहे कंटीन्यूअस हो, ठीक है, x वैल्यूज होगी, f वैल्यू होगी, ठीक है, और डायरेक्ट हमें निकालना पड़ेगा dx डिफरेंस, डिफरेंस के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एज्यूम होगी, यहाँ तक तो आपको सभी में पता है। अब इसके बाद में आपको जो पता होना चाहिए दैट इज इसका फॉर्मूला क्या है। अगर आप लोग बात करें मीन में डिस्क्रीट सीरीज की, तो उसका फॉर्मूला हम क्या लिखते थे, x बार इक्वल्स टू समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन है, यही लिखते थे हम, ठीक है। अब इसी चीज को एक काम करते हैं, देखिएगा x बार में कहीं चेंज नहीं करूंगी, डिस्क्रीट वही फॉर्मूला रहेगा, थोड़ा चेंज रहेगा, कोई भी है आपका शॉर्टकट मेथड, मीन में आप इंडिविजुअल सीरीज की बात करें, डिस्क्रीट या कंटिन्यूस, सबसे पहले आ जाएगा a, आपने कल भी यही किया था, ठीक है, प्लस समेशन है, समेशन है f, अब ये x तो रहता नहीं है यहाँ पर, हम लोग क्या निकालते हैं, dx, dx निकल गया ना, तो समेशन f dx डिवाइडेड बाय समेशन f, यही तो फॉर्मूला है, पूरे एक ही फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ेगी, सारे फॉर्मूला करने की जरूरत भी नहीं है, सब कुछ समझने की देर है पास, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूले ना समझ पाए, आपका फॉर्मूला क्या कहता है, ए है आपके पास प्लस समेशन एफ इंटू डी एक्स, है ना, तो अब आपके पास डी एक्स वैल्यू भी है और एफ भी है, ठीक, तो अब नेक्स्ट रो बनेगा दैट इज द एफ डी एक्स, ठीक है, तभी तो आप लास्ट में क्या निकालोगे उसका समेशन, और क्या हो जाएगा, समेशन एफ डी एक्स ही हो जाएगा ना, ये तो मैं चाहिए यहाँ के लिए, ठीक है, और क्या चाहिए, समेशन एफ, समेशन एफ मतलब, समेशन एफ मतलब एग्जैक्टली एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, बारंबार का तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर जो आंसर आएगा उसको वापस करना है, ठीक है, लीजिए जरा, कैलकुलेटर निकाल लीजिए आपका, बिल्कुल जिस चीज के लिए निशान नहीं होता है मल्टीप्लिकेशन का मानते हैं ना हम लोग, f * dx से जो है वो कर दीजिए, अच्छा तुम लोगों को समझ में आया है, अरे
Answer. पूरा बताओ भी कितना था मतलब इंग्लिश में बताओ कितना है